फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि मिमी के बारे में, स्टारिंग कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, सई थवनकर और एवलिन एडवर्ड्स। जहां पे बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म जो है एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने। और फिल्म जो है तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम के साथ आती है, जिसे देखने के बाद जो मेरे ओपिनियन बनते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो भाई सच में यार रुला दिया। इस फिल्म ने लिटरली रुला दिया था मुझे। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स के जो आखिरी 5-6 मिनट थे ना, पूरी तरह से मैं रो रहा था। और जो लोग भी मुझे क्रेजी फॉर मूवी से फॉलो करते हैं, वो लोग जानते हैं कि फिल्मों में इमोशनल सीन्स को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस होता हूं। मुझे इमोशनल सीन्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं हमेशा से। तो कहना चाहूंगा, आपका तो पता नहीं, पर इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था मुझे सही में बहुत पसंद आया। बहुत ही इमोशनल क्लाइमैक्स था जिसे देखते वक्त सही में मैं कुछ पल के लिए रोने लगा था। मिमी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कहानी अपने कैरेक्टर से ज्यादा यहाँ पर इमोशंस के साथ डील करती है। और इन इमोशंस को, ये इस किस्म के इमोशंस हैं जिन्हें डिलीवर करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। और कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के हर एक एक्टर ने बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है। स्पेशली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हमें यहां पे देखने को मिलती है कृति सेनन के द्वारा, जहां पे कहना चाहूंगा कि ये शायद उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बन चुकी है। और कहना चाहूंगा कि इस पूरी फिल्म के अंदर उनका जो कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर में जिस तरह के एक्सेंट के साथ वो बात करती है, वो कहीं पर भी कह सकते हैं कि कास्टिंग और वो जो एक्सेंट है वो कहीं पर भी मैच भले ही ना हो रहा हो, पर जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो कहीं पर भी आपको वो जो फेक है या फिर किसी तरह की बनावटी एक्सेंट है, उस चीज का जो फील है वो कहीं पर भी नहीं देगी। और कहना चाहूंगा कि स्पेशली मुझे पर्सनली वो एक्सेंट कहीं पर भी फेक लगा ही नहीं। और कहना चाहूंगा बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल वे में उस एक्सेंट के साथ कृति सेनन ने सभी डायलॉग्स को यहां पे बोला है, जो कि सही में काफी इंप्रेसिव था। कह सकते हैं कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में उनके कैरेक्टर को उतने कुछ खास तरीके से सेट नहीं किया जाता है, पर सेकेंड हाफ में इमोशनल सेक्शंस में, डायलॉग डिलीवरी में जो काम उनका देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही इंप्रेसिव था। और इस फिल्म को देखने के बाद सही में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, उनमें भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस बनने का पोटेंशियल जरूर है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पंकज त्रिपाठी के बारे में, तो पंकज त्रिपाठी है फिल्म में, तो कॉमेडी सेक्शन को लेकर कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। पर फिर भी फिल्म की जो कॉमेडी थी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ तक रहती है, क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो पूरी तरह से यहाँ पे इमोशंस के ऊपर टिका था, जहां पर कहना चाहूंगा कि कास्ट की अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ डिसेंट गाने और बहुत ही वेल रिटन और बहुत ही परफेक्टली डिलीवर्ड डायलॉग्स के द्वारा ये जो फिल्म है एक अच्छी खासी इमोशनल एंटरटेनर के तौर पे खत्म होती है। जहां पर इस फिल्म में काफी सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहां पर आपको खुशी और दुख दोनों ही टाइप के जो इमोशंस है उसे फील करने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कि मेरी तरह काफी सीन्स को देखते वक्त आपकी आंखें भी नम हो जाए। फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे पर्सनली उतना कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, पर फिर भी वहां पे जो नेगेटिव चीजें थी वो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो सबसे इंप्रेसिव चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है पंकज त्रिपाठी का। जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी के द्वारा फर्स्ट हाफ को संभाला है, वो सही में काफी इंप्रेसिव था। इसके अलावा फर्स्ट हाफ के अंदर और इस पूरी फिल्म के अंदर जो दूसरी सबसे सरप्राइजिंग और इंप्रेसिव चीज देखने को मिलती है वो थे यहां पे जो हमें विदेशी एक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो ये थी कि यहां पे इस फिल्म में कहीं पर भी उन्हें एक अंग्रेज के तौर पे दिखाने की कोशिश नहीं की गई कि हां, ये लोग विदेश से आए हैं, ये ऐसे रहते हैं, ये वैसे रहते हैं, उस चीज को कहीं पर भी स्टीरियोटाइप करने की कोशिश नहीं की गई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पूरी फिल्म के दौरान उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके कैरेक्टर में जो चीजें देखने को मिलती है वो पूरी तरह से उन्हें एक सिंपल कपल के तौर पे प्रेजेंट करती है जिन्हें एक बच्चे की जरूरत है। और इन दोनों ही एक्टर्स के कैरेक्टर को काफी डिसेंट वे में लिखा गया है और इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी काफी बेहतरीन है। स्पेशली जो एक्ट्रेस है एवलिन एडवर्ड्स, उनकी जो परफॉर्मेंस थी इस फिल्म में सही में काफी इंप्रेसिव थी। इसके अलावा इस फिल्म का जो तीसरा सबसे मजबूत प्लस पॉइंट यहां पे साबित होता है वो है इसका क्लाइमैक्स। छोटी सी चिरैया सॉन्ग, कैलाश खेर की आवाज के साथ वो इमोशंस जो इतने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो मिमी के साथ जुड़े हुए हैं, उन कैरेक्टर्स के इमोशंस को उस गाने के द्वारा जिससे प्रेजेंट किया जाता है वो सही में बहुत ही कमाल का था, बहुत ही हार्ट टचिंग था। और साथ ही साथ क्लाइमैक्स में जो एक मैसेज देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही बेहतरीन था। इस किस्म के मैसेज सही में समाज तक पहुंचने चाहिए जो कि सही में काफी अलग अलग वे में समाज को काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और फिल्म का मैसेज और फिल्म का
क्लाइमेक्स में दिखाए गए इमोशंस सही में आपका दिल जीत लेंगी। मिमी एक अच्छी फिल्म इसीलिए बन पाती है क्योंकि इसके पास एक अच्छा खासा सेकेंड हाफ था और वहां पे थे अच्छे खासे इमोशंस जो हमारे दिल तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। अदरवाइज जिस तरह से फर्स्ट हाफ में फिल्म की शुरुआत होती है वो सही में बहुत ही अनकन्विंसिंग था, जहां पर कहना चाहूंगा कि मिमी का जो कैरेक्टर है, कृति सेनन का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का जो एक पैशन है कि उसे एक्ट्रेस बनना है, तो उस पैशन को उस कैरेक्टर के साथ कहीं पर भी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हुए दिखाया नहीं गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से शुरुआत होती है फिल्म की शुरुआत में जिस तरह से उसकी फैमिली वालों को दिखाया जाता है, फैमिली में जब वो जाती है, जिस तरह से बातचीत होती है, डायलॉग डिलीवरी वगैरह भी बहुत ही सिंपल सी थी, और साथ ही साथ उन डायलॉग्स के दौरान जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा होता है वो मुझे कहीं पर समझ नहीं आया। वो म्यूजिक ना ही इमोशंस के लिए था, ना ही टेंशन के लिए था, ना ही कॉमेडी के लिए था, किस लिए था वो म्यूजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ना डायलॉग को हमारे तक ढंग से पहुंचा पा रहा था, ना अपनी फील को कहीं हमारे तक पहुंचा पा रहा था। और साथ ही साथ एक और चीज थी जो शायद इस फिल्म में अगर दिखाया जाता तो इम्पैक्ट और तगड़ा हो सकता था, क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखोगे, जहां पे इस फिल्म में हमें बार बार एक चीज सुनने को मिलती है कि मिमी नाम का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहां पर उसे समाज का सामना करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है इस किस्म की सिचुएशन जब आती है वहां पर सबसे बड़ी चीज जिसका सामना करना पड़ता है वो ये समाज ही होता है। तो उस चीज को कहीं पर भी फिल्म में उस तरह से दिखाया नहीं गया है कि उस कंडीशन में समाज किस तरह से बिहेव कर रहा था, तो उस चीज को कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। और अगर दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स में और स्टोरी में और एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता था। पर वही बात है, जहां पर इमोशंस का इंपैक्ट इतना मजबूत हो जाता है वहां पर ये सब चीजें कहीं ना कहीं दब सी जाती है, और वही इस फिल्म के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होती है, जिसको देखने के बाद कहा जा सकता है कि मिमी ओवरऑल एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जिसके अंदर अच्छे इमोशंस हैं, कास्ट की अच्छी परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर एक बार देख सकते हो। फिल्म कहीं पर भी निराश नहीं करेगी, उल्टा आपको बहुत अच्छे खासे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का मौका देगी। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म पर्सनली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये फिल्म एक मराठी फिल्म की रीमेक है, तो आप में से किसी ने अगर उस मराठी फिल्म को देखा है तो उसका और इसके बीच में क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस फिल्म को देखने की। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।